क्या हया का कोई टॉपिक निकला था रास्ते में? आप अपने बेटे से ही पूछ लें। रुको, सवाल मैंने तुमसे पूछा है और जवाब भी तुम्हें ही देना है। हया के पागलपन का बहुत गहरा असर हुआ आपके बेटे के दिमाग पर, वो भी पागल हो गया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी बात भी सुनूंगी और आपके साथ भी चलूंगी, लेकिन मुझे एक दफा सिर्फ अपनी छोटी बहन से बात कर आने दें। क्यों? मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने दे दूं? कितनी मुश्किल से तुम मेरे हाथ ही हो, तुम्हें पता? अगर कोई जरूरी बात करनी है तो अभी फोन करके पूछ लेते हैं। क्या कहती हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। हम आपका फोन रिसीव नहीं करेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्या हुआ? वहां से मुस्तकिल कॉल काटी जा रही है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है, चल। ये तो सही कहा। गुड, मैं यही चाहती थी। अगर आज की तारीख में आप हमें ना समझाती ना, तो हमारी नाराजगी तो खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल, काफी अरसा गुजर चुका होता तो फिर भी बनता था, लेकिन शादी के अगले दिन नाराजगी। I'm sorry आंटी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और दिले दिल में बहुत बुरा भला भी कहा। कमाल, दिल ही दिल में बुरा कहने से किसी की दिल आजारी नहीं होती, इसलिए सॉरी कहने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। आप दोनों लंच के लिए जा रहे हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल लंच पे जा रहे हैं, मगर पहले हम लोग रोहा की तरफ जाएंगे, उसके बाद लंच के लिए जाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। यू टू। जी चल। उसे हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो क्या रोहा अभी अब नहीं आएगी? मैं चाहूं तो तुम्हें झूठी तसल्ली भी दे सकती, लेकिन कोई फायदा नहीं। सच बात तो यह है कि रोहा अब कभी वापस नहीं आएगी। पहले अब्बा हमें छोड़ के चले गए और फिर अम्मा चली गई, रोहा अभी भी। अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान ले लो, मेरे साथ चलो। हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। पागल हो गई हो तुम? सारा दिन अकेली घर में डरती रही हो, रात में डर लगेगा तो क्या करोगी? हमने कहा ना, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। चले। हया क्या? उसने साथ चलने से मना कर दिया। मना कर दिया? तुम्हें जबरदस्ती डांट डपट के सबने साथ देके चलना चाहिए। क्यों? क्या करेगी अकेली घर में? जब वो अकेले रहना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? नुदरत प्लीज, अपने खुदगर्जी के दायरे से बाहर निकल के सोचो। अली, रूहा का कुछ पता नहीं चल रहा, अगर खुदा ना खास्ता अकेले में उसे कुछ हो गया तो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हया कितनी जिद्दी है, अगर अपनी जिद पर आ जाए तो उसे कोई मना नहीं सकता। प्लीज यार, ठंडे दिमाग से सोचो, वो अकेली इस घर में करेगी क्या? मुझे जितना सोचना था ना, मैं सोच चुकी, अब उसे सोचने दो। जब रात में डर लगेगा तो खुद ही आ जाएगी घर। अब चलो यहाँ से, चलो। कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली आंटी, रोहा का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो खुद कहीं चली गई है या यहाँ किडनैप हो गई है। What?
रख दो। कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली आंटी, रोहा का कुछ पता नहीं चल रहा। अगर नहीं, वो खुद कहीं चली गई है या यहाँ किडनैप हो गई है। What? Oh no. लेकिन मुईज के पास तो सुबह उसकी कॉल आई थी, तो क्या पहले? हाँ मामा, सुबह जो फोन किया था मॉर्निंग में, मगर जहां भी हो वो अल्लाह की हिफाजत में हो। हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआओं के? एक्सक्यूज मी, मामा हया घर पे बिल्कुल अकेली है, और आप जानती हैं वो तन्हाई से कितना ज्यादा डर जाती है। बहुत ज्यादा खौफजदा थी वो। मुईज हया की जिद बेजा है, और नुदरत बिल्कुल ठीक कह रही है, हया को उसकी बेजा जिद की सजा मिलनी चाहिए। मगर मामा वो वहां पे बस कीजिए, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में, आराम कीजिए, जाइए। अच्छा मामो, आप शायद मुझे यहाँ देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी जबान पर तो मुईज का नाम था, ऐसा लग रहा था कि तुम्हें उसके आने की उम्मीद है, और मुझे यहाँ देख के तुम्हें मायूसी हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत डर रहे थे। बस मुईज को ही याद कर रहे थे, तो हमें लगा कि शायद अल्लाह पाक ने हमारी बात सुनी, उन्होंने मुईज को यहाँ भेज दिया। अच्छा, वैसे तुम्हें डर क्यों लग रहा था? क्योंकि हम अकेले थे इसलिए। अकेले? क्या मतलब, रोहा कहाँ है? पता नहीं मतलब? मतलब वो सुबह मार्केट का क्या गई थी और फिर वापस नहीं आई। नुदरत बाजी ने कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आई। ये जानते हुए भी कि तुम यहाँ अकेली हो, मुईज और नुदरत तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए। नुदरत बाजी ने हमें साथ चलने को कहा था, फिर हमने खुद मना कर दिया। तुमने मना किया और उन्होंने मान लिया, बहुत खूब। एहसास है, जरा सा भी एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? और आपने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? हाँ, क्या कहा था मैंने? आपने ये कहा था कि आप हमें हमारी मर्जी का गिफ्ट देंगे। हया, तुम अपने लिए गिफ्ट नहीं, सजा मांग रही हो, और मैं तुम्हें ये सजा नहीं दे सकता। ठीक है, नुदरत को अंगूठी पहनाने का मतलब जानती हो तुम? हाँ। अच्छा, तो फिर मैं भी तो सुनूं। देखें, दोस्त हम फिर भी आपके ही रहेंगे, बस आपकी शादी नुदरत बाजी से होगी। हया, किसने डाली है तुम्हारे जहन में ये बात? किसने तुम्हें कहा है कि तुम मुझे मजबूर करो कि मैं नुदरत को अंगूठी पहना दूं? बताओ मुझे। हया, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बताओ मुझे।
मुईस पहले बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, हमारी हर बात मानते थे, हमें तकलीफ में क्या कभी उदास भी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गए, उन्हें हमारा जरा एहसास नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करते हमारे। अगर आप ना आते तो मैं कैसे नहीं आता? तुमसे आने का वादा झूठ गया था कि जब भी आऊंगा सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा फिलहाल तुम अपनी जरूरत की सारी चीजें पैक करो और मेरे साथ चलो, तुम्हारा बाकी का सामान सुबह के ले जाएंगे। मेरे मुताबिक तो तुम्हें इस वक्त हया के साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी मर्जी के बरखिलाफ यहां मेरे साथ मौजूद हो। हाँ मैं तो जा ही रहा था, वो तो मामा ने रोक लिया मुझे। देख रही हूँ मेरी तरफ। कहाँ थे तुम? ओ, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए लॉन में टहलने के लिए गया था। अच्छा तो अब तुमने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। क्यों? अगर जाग गई तो क्या बुरा लग गया? मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? क्योंकि फिर तुम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकोगे। खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा और मेरे मुताबिक तो तुम्हें इस वक्त हया के साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी मर्जी के बरखिलाफ यहां मेरे साथ मौजूद हो। हाँ मैं तो जा ही रहा था, वो तो मामा ने रोक लिया मुझे, और तुम तो जानती हो कि मैं मामा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। फिर तो मुझे आफिया आंटी का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना अब तक तो तुम हया को यहां लेके भी आ चुके होते। तुम्हें इतनी रात को सफाई की क्या सूझी? पता नहीं बेगम साहिबा, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी, मेरे मोबाइल पे शीतल बाबा का फोन आया कि वो कल आ रहे हैं। हाँ ये तो मुझे भी पता है कि वो सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं, मगर शीतल का तो अपना बेडरूम है ना, फिर गेस्ट रूम क्यों साफ करने को कहा? शीतल बाबा ने कहा उनके साथ एक मेहमान भी है, इसलिए मैंने कमरा झटपट साफ कर दिया। मेहमान? लेकिन ये बात उसने मुझे तो नहीं बताई। पता नहीं जी आपको क्यों नहीं बताया। अच्छा ठीक है तुम अपना काम करो। मोइस क्या हाई? इतनी रात को आप बाहर कहां जा रहे हो? ओ मामा हया घर पे अकेली होगी, बहुत डर रही होगी। माय गॉड, मेरी समझ में नहीं आता आप अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को अपने ही हाथों से बर्बाद करने पे क्यों तुले। मामा प्लीज समझने की कोशिश करें, वो डर रही हो। क्या समझने की कोशिश करूं? आप समझने की कोशिश कीजिए,
हया की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आप फिर भी उसका दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। मामा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आप क्या चाहती हैं, मैं अपनी खुशी के खातिर किसी को तकलीफ में देख के अपना मुंह फेर लूं? यस, मुंह फेर लें, यही करना चाहिए आपको। आपकी सारी मोहब्बत तवज्जो नुदरत के लिए होनी चाहिए। हया की फिक्र करने के लिए मैं हूं ना, मैं उसकी फिक्र करूंगी। अब जाइए, ऊपर जाइए। शीजल का कोई दोस्त आ रहा है? जो भी आ रहा है उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। खैर, दो ढाई घंटे की तो बात है, पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारी तो फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी ना? वो हाँ। आप अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो गेस्ट जिसके लिए तुमने आधी रात को प्रवीण को कॉल की और गेस्ट रूम साफ करवाया और मुझे बताना मुनासिब भी नहीं समझा। ये जानने के बावजूद कि हया को अकेले में बहुत डर लगता है, मैं उसको वहां अकेला और तनहा छोड़ आया। मैं ये भी जानता हूं कि वो जाग रही होगी, मुझे पुकार रही होगी, मेरे आने की राह तक रही होगी, लेकिन मैं इतना बेबस और मजबूर हो चुका हूं कि लाख चाहने के बावजूद हया के पास नहीं जा सकता। पता नहीं हम तीनों में से ज्यादा हमदर्दी का मुस्तहिक कौन है, मैं यानी मुइस, जिसने हया को पाकर भी खो दी, या नुदरत, जो मुझे पाकर भी खुश नहीं, या फिर हया, जिसके लिए किसी के दिल में भी जरा बराबर हमदर्दी नहीं, वो अपनों के होते हुए भी बिल्कुल तन्हा और अकेली, किसी को उसकी फिक्र नहीं। कुछ दिनों बाद इस बंगले की नई मालकिन और मेरी मां की होने वाली बहू का रूप धार लेंगे, तो फिर ये गेस्ट रूम छोड़कर इस नाचीज बंदे के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या मतलब गुम हो गई थी? वो कुछ छोटी बच्ची है क्या कि किसी ने उसे चॉकलेट दिखाई और उंगली पकड़ के ले गया? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मुझे मालूम हो। I don't know anything about it. हो सकता है कि अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई हो। तेरे इन बच्चों को कभी दूर ना होने देना।